हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं पंजीरी और हमारे यहाँ बनने वाले अजवाइन के लड्डू। तो आइए चलिए मेरे किचन में आज हम बनाते हैं जन्माष्टमी का ये भोग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पंजीरी। उसके लिए मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये नारियल, पिसी हुई चीनी, धनिया और गौन। सबसे पहले कढ़ाई में डालूंगी मैं 1 चम्मच घी। घी को गर्म होने देंगे और जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा गौन और इसे फ्राई कर लूंगी। गौन फ्राई हो चुका है तो इसे एक थाली में साइड में निकाल लूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं ड्राई फ्रूट्स, इनको भी इसमें फ्राई करेंगे और जब ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाएंगे तो इसमें डाल दूंगी किशमिश, क्योंकि किशमिश को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, इनको भी मैं साइड में निकाल दूंगी। अभी भी इसमें थोड़ा घी है तो इसमें मैं डाल दूंगी ये नारियल। ये सूखा नारियल लिया है मैंने, जिसको कद्दूकस किया है मैंने। इसको आधे मिनट के लिए हम इसमें से सेक लेंगे और इसको भी हम साइड में निकाल देंगे। कढ़ाई में फिर से डालेंगे 1 चम्मच घी। 8 से 10 में डालूंगी इसमें काली मिर्च और काली मिर्च को इसमें फ्राई करूंगी। काली मिर्च जब फ्राई हो जाएगी तो इसमें डाल दूंगी मैं 1 कटोरी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को खुशबू आने तक हमें अच्छे से सेकना है। इसमें सिर्फ हमें 1 से 1.5 मिनट लगना है और धनिया पाउडर सेक चुका है तो इसे मैं एक बर्तन में अलग से निकाल लूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। ये धनिया पाउडर ठंडा हो गया है तो इसमें मैं डाल दूंगी 3/4 कटोरी पीसी हुई चीनी और अब इसमें डाल दूंगी ये फ्राई किया हुआ नारियल, फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और ये गोंद। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये पंजीरी जो है हमारी रेडी है। इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब बनाते हैं अजवाइन के लड्डू। तो इसके लिए लिया मैंने 1 चम्मच घी। इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी राजगिरे का आटा। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। घी थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा घी इसमें मैं और डालूंगी और इस आटे को अच्छे से सेकेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से गीला गीला मैं सेक रही हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही सेकना है हमें। और इसका जब ये अच्छे से सिक जाएगा तो इसमें डालूंगी 1/4 कटोरी अजवाइन। अजवाइन को डालकर इसे हमें आधे मिनट के लिए सेकना है। अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी फिर से थोड़ा नारियल। ये वाला नारियल मैंने थोड़ा बारीक लिया है। आधे मिनट के लिए नारियल को हम इसमें सेक लेंगे और फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उंगली लगा के हमें चेक कर लेना है और इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कटोरी चीनी। साथ ही में जो मैंने थोड़े से गोंद और ड्राई फ्रूट बचा लिए थे वो भी इसमें डाल दूंगी। बस तो इन सबको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और ये लड्डू का हमारा बैटर जो है वो बनके रेडी है। तो बस इनके हम छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। लड्डू बन चुके हैं, बस गार्निशिंग के लिए मैं इस पर लगा दूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए हमारे अजवाइन के लड्डू भी रेडी हैं और ये पंजीरी भी बन के रेडी है। तो कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ये जन्माष्टमी के प्रसाद की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।